हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने जा रहे हैं संयुक्त मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया नई शिक्षक भर्ती के लिए। नई शिक्षक भर्ती का क्या मैं कर रहा है, लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी वेटिंग में हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती भी पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो क्या एक खबर पहले जान लेते हैं, उसके बाद विश्लेषण करते हैं। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। इलाहाबाद से बड़ी खबर, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षक के 1.26 लाख पद रिक्त होने के बाद भी बेसिक विभाग की ओर से कोई भी रिक्त पदों का डाटा सरकार को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसमें DLED प्रशिक्षण पूर्ण किए 8 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित 5 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे राज्यसभा में भी सदस्य द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों का उत्तर मांगा गया था। DLED BTC संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष विनोद पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ प्रकरण पर 51,112 पद अगली शिक्षक भर्ती देने का हलफनामा लगाया था, लेकिन 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती नहीं कर रहा है। प्रदर्शन में रजत सिंह यादव, लकी पाल, शिवम सिंह, विशु यादव, हर्षित शर्मा ETC अभ्यर्थी रहे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट के एक प्रकरण में सरकार ने खुद कहा है कि 51,000 पद हमारे खाली हैं, लेकिन अभी तक इन 51,000 पदों पर कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। देखना ये है कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि चुनावी माहौल है तो भर्ती जाने के चांस भी बन रहे हैं। जो भी अपडेट मिलेगी सबसे पहले सबसे सही जानकारी आप तक पहुँचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।